जूनागढ़ कल भी पाकिस्तान था, जूनागढ़ आज भी पाकिस्तान है। जूनागढ़ कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट नहीं है, बल्कि जूनागढ़ आजादी की एक तहरीक है जिसके रकबे के ऊपर एक गासिब कुव्वत ने अपनी फौजी एग्रेशन के जरिए, अपने उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के जरिए उन्होंने उसके ऊपर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जूनागढ़ अलहदगी की तहरीक नहीं, जूनागढ़ आजादी की तहरीक है, और ये आजादी जूनागढ़ का, नवाब ऑफ जूनागढ़ का और जूनागढ़ के लोगों का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। और हमारा सबसे अहम फोकस इस वक्त के ग्लोबल सिनेरियो में जूनागढ़ के इस लीगल और पॉलिटिकल केस के ऊपर है कि हम दुनिया को बताएं कि जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा है एंड जूनागढ़ इज पाकिस्तान। साहिबजादा सुल्तान अहमद अली रियासत जूनागढ़ के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए और उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी उठा लिया है। तफसीलात के मुताबिक साहिबजादा सुल्तान अहमद अली के समाजी राबते की वेबसाइट फेसबुक पेज पर गुज़िश्ता रोज होने वाली तकरीब हलफ बरदारी की तस्वीर शेयर की गई। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहम्मद जहांगीर खान निजी ने साहिबजादा सुल्तान अहमद अली से रियासत जूनागढ़ के नए वजीर आजम के ओहदे का हलफ लिया। तकरीब के मेहमान एक खसूसी सरपरस्त आला इस्लाही जमात सुल्तान मोहम्मद अली थे। साहिबजादा सुल्तान अहमद अली के हलफ उठाने के बाद समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर जूनागढ़ का वजीर आजम के नाम से ट्रेंड बना रहा। याद रहे कि 1748 में रियासत जूनागढ़ का कियाम अमल में आया, 1807 में ये बरतानवी महमेह रियासत बन गई, 1818 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका कंट्रोल संभाल लिया, लेकिन स्वर अशरा का इलाका बरतानवी राज के इंतजामिया के बराह रास्त तहत कभी नहीं आया। इसके बजाय बरतानिया ने उसे 100 से ज्यादा नवाबी रियासतों में तकसीम कर दिया जो 1947 तक कायम रही। मौजूदा पुराना शहर जो 19वीं और 20वीं सदी के दौरान तर्क की पाया साबिका नवाबी रियासतों में से एक है। इसके रियासत के नवाब को 13 तोपों की सलामी दी जाती थी। तकसीम ए हिंद 15 अगस्त 1947 के वक्त इस रियासत के नवाब मोहम्मद महाबर खान जी सोम ने पाकिस्तान के साथ उल हाक का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से 15 सितंबर 1947 को इसकी मंजूरी दे दी गई। नवाब का मौकिफ था कि अगरचे रियासत जूनागढ़ का खुशकी का कोई रास्ता पाकिस्तान से नहीं मिलता, मगर समुद्र के जरिए ये तलुक मुकीन है, क्योंकि इस रियासत का कराची से समुद्री फासिला 480 किलोमीटर है। इस रियासत के मातहत दो रियासतें थीं, एक मंगरवाल, दूसरा बाबरी आबाद। इन दो रियासतों ने अपनी खुदमुख्तारी का ऐलान कर दिया, जिस पर नवाब जूनागढ़ ने इन दोनों रियासतों के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। इन दोनों रियासतों के हुक्मरानों ने हुकूमत हिंदुस्तान से मदद की दरखास्त की, जो मंजूर कर ली गई। हिंदुस्तानी फौजों ने 9 नवंबर 1947 को रियासत जूनागढ़ पर हमला कर दिया। इस दौरान एक जिलावतन ग्रुप ने एक आरजी हुकूमत कायम की, जिसका सरबराह सम्मल दास गांधी को मुकर्रर किया गया, जो महात्मा गांधी का भतीजा था। हुकूमत हिंदुस्तान ने उसे मुजाहिद आज़ादी का खिताब दिया। मौजूदा दौर में लातादाद स्कूल, कॉलेज और हस्पताल उसके नाम से मंसूब किए गए हैं। इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैसेंजर पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर।